सुनो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशोबाद रखे, खुशोखुर्रम रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी बता रही हूँ, कसूरी मेथी जो गोल पत्तों वाली होती है। तो उसको देखो, मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया है और काट लिया है। ये देखें, ये कसूरी मेथी जो होती है उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। एक तो दूसरी होती है ये गोल पत्तों वाली होती है। और इसके लिए प्याज को मैंने गोल्डन कर लिया है, और ये लाल मिर्च, जो चीज़ें मुझे चाहिए इसके लिए, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, हरी मिर्च, लहसुन अदरक पेस्ट और टमाटर और आलू चाहिए। बस ये सिंपल सी रेसिपी है जो बहुत ही मज़े की बनती है, और इस सीज़न में तो खूब, वैसे तो ये ऑल सीज़न ही हमारी अब तो चलती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है ये सादा पराठे के साथ, मकई की रोटी के साथ, किसी भी रोटी के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं। ये प्याज को मैंने कर लिया था ब्राउन, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। आलू जो है ना, इस सीज़न में बिल्कुल न्यू आए हुए हैं, फ्रेश फसल आई हुई है, तो आलू को मैं साबत ही डालूंगी, मुझे बहुत पसंद है। छोटे छोटे साइज़ के आलू ना बहुत अच्छे लगेंगे मेथी में। तो अभी ये लहसुन जब भुन जाएगा, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो मैं मसाला डालूंगी और साथ में टमाटर काट के डालती हूँ, फिर आलू और मेथी को डाल दूंगी। क्योंकि अगर मैं आलू छोटे साइज़ के काटूंगी तो वो मेथी में सारे घुल जाते हैं, तो मेथी की जो लुक और टेस्ट है वो सारा मिक्स हो जाता है आलू में, इसलिए आलू जो है मैं बड़े साइज़ के ही डालूंगी। गैस हमारी देखिए, ज़रा देखिए तो सही, ये देखिए कितनी कम आ रही है। सिलेंडर भी है लेकिन मैंने कहा चलो इसी पे बना लेती हूँ, और ये बहुत अच्छी बनती है। इसका पराठा भी सुबह नाश्ते में, मेथी का पराठा बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें मसाले सारे ऐड करूंगी, साथ में थोड़ा सा पानी और टमाटर डालूंगी। ये मुश्किल नहीं है, और इसमें बहुत पानी मेथी में नहीं डाला जाता, कम पानी में डाल के पकाया जाता है, वरना अगर पानी अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं इसमें पकने के लिए तो इसमें कड़वापन आ जाएगा, जो आलू में भी चला जाएगा और मेथी में भी चला जाएगा। टमाटर डाल रही हूँ, साथ ही दो टमाटर हैं। बस सिंपल सी इसके मसाले होते हैं, इसमें इतना स्पाइस नहीं किया जाता। ये हाथ मेरा लग गया, किसको इसको लगा, आप भी कुछ बोल लो। हाँ बहुत मज़ेदार बनती है, ग्रीन 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 ग्रीन। ये देखिए मेरा मसाला, ठीक है हमारा मसाला आपको कैसा लगा? अच्छा। और आलू देख लें, ये देखिए आलू, आलू जो है ना ये देखिए छोटे छोटे हैं, ये ठीक हो गया। और ये ज़रा थोड़ा बड़ा था, इसको मैं पीस काट लूँगी, और छिलका मैं नहीं उतारूँगी, हल्का सा उतार लिया था और अच्छा सा वॉश कर लिया मैंने, क्योंकि इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। ये सारे साबुत हैं हम, और इसको मैंने धो दिया हुआ है। अगर आलू और मसाले मैं इकट्ठे भी डाल दूँ ना तो उतनी देर ये थोड़ा सा भून भी जाएंगे। इस सीज़न में जो आलू होते हैं ना, वो उनके जो छिलके होते हैं वो रेड
न्यू होते हैं ना तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब जो मेथी होगी इसमें मेथी और आलू सेपरेट सेपरेट होंगी, आपस में घुलेंगे नहीं, क्योंकि मैं मेथी का ही टेस्ट चाह रही हूँ कि आलू मेथी का आलू आलू मिक्स हो जाते हैं। नहीं कभी घर वाले क्या भी देते हैं कि छोटे पीसेस डालो, उसका एक अपना लुक होता है, लेकिन वो मिक्स हो जाता है। वो गैस इतनी कम आ रही, इतनी स्लो बन रही है ना, जब ये भुन जाएंगे तो मैं ये डाल दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए माशाल्लाह से आलू और मसाला बहुत प्यारे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें मेथी ऐड करूंगी, ये सिस्टर चले गई हैं ऊपर छत पे, बच्चों ने बैठना था तो अब मैंने खुद ही एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। आज बहुत दिल कर रहा था कि मेथी की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। खाने को भी दिल कर रहा था। अभी मैं सिर्फ एक कप इसमें पानी डालूंगी। एक हाथ से हिलाया नहीं जा रहा। इसके ऊपर मैं ढकना दे दूंगी और अभी मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसका अपना भी पानी होता है और पानी इतना ज्यादा नहीं डालते। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए सिर्फ मैंने एक कप पानी डाला था, इसका पानी अपना देखिए कितना है। अब इसी के पानी में इसको भूनेंगे। और पोटैटो जो मैंने साबुत डाले थे, फ़ायदा इसका ये होगा कि मेथी जो है अच्छे से इसकी बनाई हो जाएगी। तो अभी ये पक रही है, फिर मैं ढकना दे देती हूँ। आज तो अभी हमारी कम ही है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये देखो ये जो ऑयल है, ये देखो ये मेथी बहुत अच्छी सी भुन चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका लुक आ गया है, मज़े की है ये। और आलू भी गल चुके हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है जी, मज़े की आ रही है। ये देखिए ये बड़े पोटैटोज जो थे
वो भी गल गए हैं, इतने ज्यादा गले हैं बल्कि। और ये देखिए हर पोटैटोस गला हुआ है, सही। ये ठीक हो गया। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की। और ये देखिए ऑयल, ऑयल जब इसका आ जाए तो समझो ये पक गई और भुन चुकी है। अब मैं इसको फ्लेम को बंद करती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ। और आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मेथी, आलू मेथी की रेसिपी कैसी लगी। बड़े बड़े पोटैटोस ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहे हैं, और ये खाने में भी उतने ही खूबसूरत लगेंगे। मज़े के लिए खूबसूरत, मज़े के, मज़े के, और लुकिंग भी खूबसूरत है। यस, बहुत ही प्यारी, गुड लुकिंग। अब जब हम मेथी मतलब निकाल लेंगे अपनी अपनी प्लेट्स में खाने के लिए रोटी के साथ, तो इसमें पोटैटो उसका अपना एक होगा जायका, और मेथी का अलहदा होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये देखें आलू मेथी की रेसिपी, ये गर्मा गर्म पराठे के साथ या वैसे भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और आप भी शौक से खाइएगा जब भी बनाएं, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और किस किस को मेथी पसंद है ये भी बताइएगा। और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।